शेमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तुम इतनी जल्दी आ गई, उड़ के गई थी क्या? नहीं, वो डब्बा ही तो देकर आई था। दूध कौन देगा? ड्राई फ्रूट दे दिया ना, चलो जाओ दूध देके आ। वो दूध वो नहीं मांगी है। अच्छा, मेरी मम्मी के बारे में तुम्हें ज्यादा पता है? हाँ पता है। अब हमारे मतलब है कि वो खुद ही बता ही रही है हमका, वो दूध नहीं चाय मांगी है। अभी आप जाइए ना, मैं रसोई का काम देख लेती हूँ, बहुत काम पड़ा है। जितना काम करना है अभी कर लो, बाद में कोई बहाना काम नहीं आएगा तुम्हारे। हाँ तो हम कहाँ थे? लड्डू, तो लड्डू के लिए पहले हम बूंदी तैयार कर लेते हैं। ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? तुम तो खाना बनाने में इतनी एक्सपर्ट हो, तो ये सब कैसे हुआ? पता नहीं ये सब कैसे हो गया अचानक से। हे भगवान, कल पूजा है और आज ये सब। आप कौन सी बात पे इतना बनिया ही रहे हैं? ये सोचो ना कि हमारी दीदी हम सबको बचा ही नहीं है। ये कढ़ाई में तो चटकार मार रहा था, पर ना हमारे पे आया ना हमारी चीजी पे। चीजी, कोनो आशीर्वाद वासीवाद है का तुम्हारे पे? हाँ, माता नानी का लाख लाख शुक्र है, कोई बड़ी अनहोनी होने से टल गई। अब तुम सिर्फ आराम करोगी, बहुत भाग दौड़ कर ली तुमने, चलो। नहीं अभय, आप इतनी चिंता मत कीजिए। वैसे भी इस तेल को तो अब हम यूज नहीं कर पाएंगे, लड्डू और बर्फी इससे तो बन नहीं पाएगी। अब मैं काम करती हूँ, मैं ताई जी के पास जाके सामान की लिस्ट ले आती हूँ। श्रद्धा, हमने पूजा की सामग्री का लिस्ट बना लिया है, आप देख लीजिए कुछ छूट तो नहीं गया। कीर्ति, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे नहीं देना है कॉल इंटरव्यू। अरे कितनी बार अपनी नजरों में गिरूं मैं? वरुण जी, मुझे लगता है आपको इंटरव्यू देने जरूर जाना चाहिए। श्रद्धा, तुमने सुना नहीं, मैं बहुत ही खतरनाक चोर हूं, किसी को भी नहीं छोड़ता, और अब तो ये मेरे माथे पे भी लिख दिया गया, इसे लोग मुझे देखते ही दूर से ही भगा देते। वरुण जी, आपको शायद मेरी बात थोड़ी अजीब लगे, पर मुझे लगता है ना आज आपको इंटरव्यू देने जरूर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आज जरूर कुछ अच्छा होगा, आपको आज जरूर नौकरी मिलेगी। देखिए वरुण जी, सच में ना बहुत ताकत होती है, और आज आप अपने इंटरव्यू पे सिर्फ सच ही बोलिएगा। इस झूठ और फरेब के जमाने में सच की बहुत कदर है।
इसलिए आज आप अपने इंटरव्यू में सिर्फ अपनी कदर कीजिएगा। इस इंटरव्यू को शुरू करने से पहले आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ समय पहले तक मैं एक चोर था, कई चोरियां की मैंने, उसके लिए जेल भी गया। आगे बढ़ने से पहले ये सच मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मिस्टर त्रिपाठी, आप ये पर क्यों? सर, शौकिया कौन चोरी करना शुरू करता है, कुछ मजबूरियां थी मेरी, पर जिस परिवार के लिए मैंने चोरी करना शुरू किया था उसी के लिए मैंने सबको छोड़ दिया, प्रायश्चित किया, सबक भी सीखा। एक चोर को कौन नौकरी देता है? और आप ये सब मुझे क्यों बता रहे? मुझे इंप्रेस करने के लिए? नहीं सर, मुझे पता है कि ये सच जानने के बाद आप मुझे नौकरी तो नहीं देंगे, पर किसी ने बड़े विश्वास के साथ मुझसे कहा था कि सच में बहुत ताकत होती है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। तो अपने सच की कदर मुझे करनी पड़ेगी ना सर। फिर भी आपने मुझे अपना कीमती समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। मैं चलता हूँ। कहाँ हैं सब लोग? श्रद्धा, कहाँ हैं सब लोग? क्या हुआ पापा जी, आपने सबको यहाँ इस तरह से बुलाया, सब सब ठीक तो है ना? बेटा सब ठीक नहीं है। क्या? सब जबरदस्त है। तनुजा जी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है और ये हुआ है तुम्हारी वजह से। तुम्हारे लिए मुझे लड्डू लाने ही पड़ेंगे। अरे डॉक्टर तो हैरान हो गया, कह रहे चमत्कार से कम नहीं है। अरे ये सारा श्रद्धा का कमाल है, इसने ही हमें हिम्मत दी कि हमें कुछ नहीं होगा और देखिए चमत्कार हो गया। बेटा हमेशा खुश रहो। अरे ये तो कमाल होएगा, आपकी तो एकदम सरस्वती मैया का आशीर्वाद लेके बैठी हैं हमारी जीजी। मुंह से निकला हर अक्षर सच। अरे नहीं नहीं, ये जो कुछ भी हुआ है ना, इसका श्रेय सिर्फ मम्मी जी को जाता है। इन्होंने अपना खाना पीना, अपनी दवाइयाँ बिल्कुल वक्त पे रखी, ये सिर्फ आपकी ही कोशिश का असर है मम्मी जी। अम्मा जी एक बात कहें, आजकल बहुरियां एक कप चाय में ही अपनी सास का निमटाए दिए हैं। वहाँ आप तो बहुत भाग्यशाली हैं, जो ऐसी लक्ष्मी रूपी बहू मिली है आपको। बहुत ख्याल रखी है हमारी जीजी तुम्हारा। हम भी ना कबू कबू बहुत ही भन्याए रहे, पर जीजी की सादगी देख के ना हमारा मन भी शांत हो जावे। श्रद्धा, वरुण जी ऐसी क्या बात हो गई जो आप दीदू को ही बताएंगे? अरे क्या हुआ वरुण जी? सिर्फ तुम्हारे कहने पे मैं वो इंटरव्यू देने के लिए गया। और बहुत अच्छा है कि मैं गया। क्योंकि ना ही सिर्फ मुझे एक अच्छी नौकरी मिली बल्कि बहुत ही अच्छी सैलरी भी मिली है। वरुण जी ये चोट कैसे लगी आपको? अरे ये तो कुछ भी नहीं, वो क्या है कि अब नौकरी मिलने की खुशी की वजह से मैं ज्यादा ही जोश में आ गया। एनीवेज ये खबर अच्छी है ना भाई? सबसे अच्छी खबर दी है तूने आज। अरे वाह, आज खुशी का पहला लड्डू श्रद्धा के नाम ही था। देखो लड्डू भी आ गए। देखा, हम कह ही रहे थे ना जीजी जो बोलत है एकदम सच हुई जावे है, साक्षात देवी का रूप है हमारी जीजी।
किस्मत से टकराती, उलझी लकीरों को सुलझाती श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शेमारू उमंग।